वो लास्ट दिन से वी नो द चाइल्ड इज सिक, वी नो एवरीथिंग इज हैपनिंग, वी नो, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. एक्सेप्ट एक चीज़ डिफरेंट हुई है इस दफ़ा कि उसने फाइनली बता दिया कि क्यों उसको पैसे चाहिए और अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, इज़ वट आई माई क्वेश्चन इज. सो फॉर मी इट्स स्टिल शॉकिंग, नॉट शॉकिंग, इट्स सैड शॉकिंग, इट्स एक्चुअली दिस. Okay. Nothing to discuss. There is nothing to talk about. There is too many flaws. वो बार बार कह के फिर बुरा भी लगता है, you know. It's but five. क्योंकि क्रक्स देखें दो एपिसोड का सिर्फ ये था कि पहले उसने पिछले दो एपिसोड में बात छुपाई थी, ठीक है, इसमें बात छुपा के सब उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो 8 crore क्यों ले रही है, फिर पता चल गया कैसे भाई को वो है. Just these two things are happening. We know कि इसने ये काम किया for no rhyme or reason. इसने अपने आप को कहा कि कोई इस रीजनिंग आप दे दो, ठीक है, आप अगर 12 एपिसोड के बाद रीजनिंग दोगे तो वो ज़रा सा इट विल फॉल फ्लैट ऑन आवर फेसेस, बिकॉज साथ साथ आप एज शी सेड बिलाल स्टोरी शुड हैव ओपनड अप इन द फर्स्ट एपिसोड बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट हिम, दिस गाय हु कांट इवन वॉक स्ट्रेट विदाउट होल्डिंग अहमद हैंड. नाउ ही इज नॉर्मल, बिल्कुल सही है, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, कोई एंगर इशूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बोतलें उसने सारी तोड़ दी. देर इज नथिंग, देर इज नो लॉजिक इन रिपीटिंग अ पर्सन, द इलनेस ऑफ अ पर्सन. बीमार है, बीमार है, बीमार, ठीक है, हमें पता है, हमें पता है, अल्लाह के वास्ते हमें पता है, यू नो. कितनी दफ़ा आप वो सीन्स लाओगे, कितनी दफ़ा आप कोशिश करोगे हमें रुलाने की, अब वो टाइम ख़त्म हो गया. क्यों छुपा रही हो, वो टाइम ख़त्म हो गया. अब इसमें सिर्फ इसने बता दिया है, बट इट प्रॉब्लम इज दैट यू हैव मोमेंट्स वेयर यू से अच्छा ये यू कैप्चर द ऑडियंस, ही इज नॉट इवन ट्राइंग टू कैप्चर द ऑडियंस, आई फील. सो आई थिंक द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस इंटायर थिंग इज द राइटिंग स्क्रिप्ट. आई डोंट नो वाई anyone else, why, where the content team was, where the director was, where everyone was when they were reading these scripts. There is nothing in it, nothing that you can talk about. इतनी जान मार रहे हैं अपनी acting में, style में, हर चीज में, लेकिन वो content ही नहीं है. Zero है, zero. आपके पास एक बहुत अच्छी team है actors की, आपके पास एक director की बहुत अच्छी team है, आपका production house बहुत अच्छा है, आपने स्क्रिप्ट को इतना ज़ीरो कैसे किया है? सो देन आई थिंक द ओनर्स कम्स ऑन एवरी वन, इट कम्स ऑन द प्रोडक्शन हाउस, इट कम्स ऑन द डायरेक्टर्स, आई थिंक देन इट कम्स ऑन द एक्टर्स, नॉट सो मच इज द एक्टर्स बिकॉज आर एक्टर्स डोंट रियली ओन द स्क्रिप्ट, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम डू, नॉट ऑल ऑफ देम, बट दे आर थ्री लेवल्स. पहले स्क्रिप्ट आपके पास आता है, फिर आप डायरेक्टर को देते हैं, फिर आप अपने कंटेंट वालों को देते हैं, एंड किसी ने उस पर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया. अदरवाइज इट इज सच अ ब्यूटिफुली शॉर्ट प्ले, इट इज सो ब्यूटिफुली शॉर्ट. मैं कल देख रही थी कि एंड ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, एवरीवन परफॉर्म्ड सो वेल, एवरीथिंग इज सो नाइस, बट उसका फायदा क्या जब स्क्रिप्ट में, और मुझे पता है क्या ये प्रोडक्शन हाउस लेकिन लेकिन नंबर्स आ रहे हैं. गलती कैसे हुई है प्रोडक्शन हाउस से, वो ये हुई है कि मेरे पास तुम हो के बाद दो स्क्रिप्ट उनके आए, एक जेंटलमैन और इट वाज अ ह्यूज हिट मेरे पास तुम हो, उसके बाद जेंटलमैन आया और ये आया, उस पर प्रोडक्शन हाउस कहते हैं खलील साहब की तरफ से जो आ रहा है पकड़ लो, वो ऐसा ही होगा, वो एक इतना बड़ा हिट है तो उसके बाद बुरा वो कैसे दे सकते हैं. यही हुआ जेंटलमैन की शुरू की 15 एपिसोड में वो इतना था, आगे जब लिखा तो वो बेतहाशा बुरा हो गया जेंटलमैन. लेकिन यार ये तो एपिसोड 1 से, एपिसोड नहीं, एपिसोड 3 से, सो एपिसोड 3 में यू कैन स्टार्ट सीइंग द फ्लॉज कि भाई अब तो रिपीट पे आ गए हम, अब तो इसमें आगे कुछ जा ही नहीं जा रहा, आगे कुछ नहीं हो रहा. अब आइदर दैट्स द थिंग. अच्छा, अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको एडिट में निकालें, कम करें, लेकिन गेट द पेस गोइंग.
I mean, yes, where you need to slow down, slow down. Slow drama hai. When you need to slow down, absolutely slow down. But otherwise, there is nothing that it is. I mean, you and I'm sorry. मैं जब देखती हूँ मुझे fast forward करके देखना होता है मुझसे नहीं बर्दाश्त. मैं तो forward भी नहीं करती ना कि नहीं कुछ miss ना हो जाए और torture. I think Ahmed जब तक थे fourth episode तक तो बहुत अच्छा चल रहा था. तब अच्छा चल रहा था. Ahmed was holding his own. Because वो कहानी हल्की-हल्की reveal हो रही थी और उसमें भी थे छोटे-मोटे flaws but अब तो खैर it's like a standstill. It's literally breaks लगा दिए. So आप तीन episode में यही हुआ कि वो नहीं बताना चाह रही थी, वो क्यों बताना चाह रही थी, कुछ नहीं हुआ उसके ज़हन में, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, nothing has happened and we still don't know what Hira's character is still. Even Bahaj's character कुछ नहीं पता. नहीं Bahaj का तो हमें पता है ना, he's the lead. ठीक है, वो तो हमें पता है कि he's the lead, लेकिन what is Hira? अब let's see what happens if we continue reviewing it. Hira ने फोन किया था मुझे. Hira called me to say कि हम सब ने बड़ी मेहनत की है. तो मैंने कहा Hira नजर आ रहा है. तो मैंने Hira से कहा, मैंने कहा Hira you're looking lovely, which she is. Hira is looking lovely. लेकिन रोल क्या है ये, क्यों क्या किया तुमने? कहती है मुझे, मैं सोची थी मुझे एक चांस मिला टू लुक एंड फील डिफरेंट विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. शी सेड यकीन माने जितना आपको नजर भी आ रहा है वो मैंने खुद बनाया, ये रोल उससे भी छोटा था. अच्छा, सो दैट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग. व्हाई वुड द प्रोडक्शन हाउस वेस्ट समवन लाइक Hira Mani? शी इज अ बिग नेम. स्ट्रेंज वेस्ट. तो एवरीवन इज वेस्टेड इन दिस. Bahaj इज वेस्टेड, माया इज वेस्टेड, सबा इज वेस्ट. आई मीन सबा का शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लव्ड हर कैरेक्टर. आई मीन शी इज स्टिल परफॉर्मिंग ब्यूटिफुली. But wasted. It's just wasted because there's nothing for them to do except to cry or worry about one thing, leukemia. Or this girl has got to worry about one thing, whether she sells herself or she takes a loan. You know, like there's nothing else. And the boy constantly says, "Wo mar jayega, mar jayega, mar jayega." Mar bhi jaye. At least kuch to dhamaka ho. कुछ तो हो इसमें, बट नथिंग. एंड देन यू से कि सो इफ दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग एंड दिस इज हाउ द डायरेक्टर हैज, बट अदरवाइज यस यू हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब, ब्यूटीफुल जॉब, बट इट्स वेस्टेड अनफॉर्चुनेटली. नंबर्स. आई फील बैड. सिक्स नादिया. अच्छी डायरेक्शन, प्यारे फ्रेम्स, एक ड्रामा. Not sound too negative. Dekhiye, we know, and Maya knows also. She's a good performer. You know, no doubt about that. Wo hum bahut sare serials ya actors ki jab hum baat karte hain, no one is taking away someone's ability to perform. She's a good performer, and we've seen her do some really. Unfortunately, jis tarike se wo cut hoke hamare paas aa raha hai drama, jaise ek jagah wo bande ko क्या कहते हैं बिल्कुल शान कर रही है, दूसरी जगह एक कह रही है कि तुम हंस क्यों नहीं रहे, तुम यू नो, वो जो एक कंफ्यूजन कैरेक्टर में आ जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैरेक्टर एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन अस नॉट बिलीविंग द परफॉर्मेंस बिकॉज आइदर यू डिड द सीन्स एंड यू वर नॉट गाइडेड कि आगे पीछे क्या हो रहा है. बिकॉज मुझे नहीं लगता माया और एनी ऑफ दीज एक्टर्स आर ऑफ दैट लेवल वेयर दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर एक सीन पहले तुमने इतनी रफली एक आदमी के साथ बात की और उसको तुमने रिड्यूस कर दिया टू नथिंग, दूसरे दिन तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं. सो आई कॉन्ट बिलीव शी वुडंट नो दैट. सो आइदर द इंफॉर्मेशन कमिंग टू हर, आइदर शी इज़ नॉट रेड द स्क्रिप्ट, समथिंग इज़ गॉन ऑफ which is not making me convinced that I'm enjoying the overall scene ke not the scene to scene performance but the overall performance. So kyunki mujhe ek cheez samajh aati hai ki us kyunki log bahut pooch rahe the comments mein ki Amar se masta kya hai, mujhe lagta hai ki Amar se usko ye masta hai ki ye meri best friend isko pasand karti thi aur ye usko chhod ke mere piche aa raha hai, to is wajah se wo thoda sa उसको बस परेशान हो जाती है उसकी वजह आने पर या उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है कि शी डजंट लाइक इट. लेकिन वही बात जब वो सीन आता है कि तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, तो वो एकदम मुझे पूरा कैरेक्टर चल रहा था जिसमें मैंने बिलीव कर लिया था कि इस वजह से ये इतना रूड बिहेव करती है. देखिए Amar के साथ इसका जो इशू है ना वो शुरू से ही गलत था. द वे दे बिल्ट इट अप वाज रॉन्ग.
वो तो उसी वक्त कह दो कि आई हैव नथिंग टू डू विथ यू नो, लेट्स फिनिश दिस, वील स्टे एज गुड फ्रेंड्स. अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अमार कि तुम उसको तुम क्या, वो कह रहा है कि मैं मर जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो इनिशियल सीन से जिसमें कहती है कि तुम मर जाओ, बेसिकली वो यही कह रही है ना कि अगर तुम इतना वो कर रहे हो देन जस्ट जहर वाली सारी आई थी. अगेन टू मच ऑफ दैट, देयर वाज टू मच ऑफ दैट, एंड उसमें भी देयर वाज अ अप एंड डाउन इन हर इमोशंस. सो आई फील दैट द कैरेक्टर इज नॉट वेल क्राफ्टेड. रिटन तो आई थिंक ठीक है, आई थिंक क्राफ्टिंग उसकी सही नहीं हुई. आई मीन आई होप आपने पढ़ा होगा कि आपने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में कि वो सीधा चल नहीं सकता, और फिर जब बिजनेस पे बात आती है आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो. क्या क्या खाते हो, ड्यू टेक यू नो, बिकॉज नॉर्मली पीपल व्हेन दे आर वेरी ड्रंक टू सोबर अप देन दे टेक कोकेन टू सो टू क्लियर देयर माइंड. यू कैन कट इट आउट, बट आई एम सेइंग यू टेक ड्रग्स टू क्लियर योर माइंड. ठीक है, प्लेड द कैरेक्टर करेक्टली फ्रॉम डे वन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो ही नेवर डिड हिज रिसर्च, ही शुड हैव डन रिसर्च के अगर मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं शुरू में ऐसे हूँ और फिर बाद में जाके मैं सही हो जाता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कैसे, आपको एक ग्राफ बनाना चाहिए था. एंड देन यू हैव नाउ इन अ पोजिशन वेयर यू कैन इंसिस्ट के शो मी दैट मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं, और शो एक सीन भी अगर हमको दिखा देते हैं ना कि आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉटल्स एंड ऑल दैट, आई मीन इट्स नॉट, आई होप आगे हो ना हो आई डोंट नो, बट इट्स लॉस्ट द पर्पस राइट नाउ. सो हियर आई विल गिव हिम डेफिनेटली the responsibility कि उसने अपने character को खुद थोड़ा सा damage किया है. वैसे तो लिखा हुआ है damaged, ठीक है, लेकिन इसने भी ज़्यादा कुछ नहीं, इसने अपनी तरफ से कुछ दा. मुझे लग रहा है कि हमारे I mean, artist है ना, उन्होंने वो accept कर लिया कि खलील साहब के तो कमाल ही होगा. हाँ, बस करना ही, वो detailing में गए नहीं.